डोंट कीप अप। जी हाँ, बिल्कुल, आपको हार नहीं मानना है, लगातार अभ्यास करना है, अभ्यास दर अभ्यास दर अभ्यास। यू विल ऑफ कोर्स आप कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। इसी के साथ आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उसके उत्तर विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। डोंट वरी, जस्ट कीप योर लेवल मोटिवेटेड ऑलवेज। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइंस्टाइन रिंग। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के नाम पे एक आइंस्टाइन रिंग रखा गया है। व्हाट इज दिस आइंस्टाइन रिंग? इट इज क्रिएटेड व्हेन द लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे कि गैलेक्सी पास बाय एन एक्सट्रीमली लार्ज मास। व्हेन लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर का कोई वस्तु है उससे उसके पास से होकर गुजरता हो, तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि उसमें कुछ आइंस्टाइन रिंग का फॉर्मेशन होता है। आइंस्टाइन रिंग इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और ये एक शब्द आया है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो आइंस्टाइन रिंग इज ऑल्सो रिलेटेड विद ग्रेविटेशनल लेंसिंग। क्या आइंस्टाइन रिंग का फॉर्मेशन का कारण ग्रेविटेशनल लेंसिंग है? एंड थर्ड, दे कैन नॉट फॉर्म अराउंड द ब्लैक होल सिंस द ब्लैक होल्स अब्जॉर्ब ऑल लाइट। ये ऑल लाइट अब्जॉर्ब कर लेता है ब्लैक होल, लाइट तो सारे अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन क्या वो ब्लैक होल के चारों तरफ नहीं बन सकता है क्या? क्या ये अगर ब्लैक होल है तो प्रकाश ऐसे होकर नहीं गुजर सकती है, या ब्लैक इसमें घुस जाएगा प्रकाश? चलिए, इसका सही जवाब है केवल और केवल 1 और 2। लेट्स सी, आइंस्टाइन थ्योरीज ऑफ ग्रेविटी। मास कैन बेंड द पाथ ऑफ द लाइट। अगर एक बहुत बड़ा मास है और बहुत ही भयानक मास है, तो प्रकाश अगर जा रहा है जा रहा है जा रहा है तो बस इसको बेंड कर देगा, इतना क्षमता है इसके पास, ठीक है, और उसको रिंग जैसा बना देगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण होता है। तो यही तो, इट इज क्रिएटेड व्हेन लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है लाइट, और यहाँ पर कोई एक वस्तु है, तो इट इज क्रिएटेड व्हेन लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक गैलेक्सी पासेस बाय एन एक्सट्रीमली लार्ज मासेस। अब यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, यहाँ से बहुत दूर से, जैसे इस बॉडी के संपर्क में आए यहाँ घुस जाएगा इसे, तो लाइक गैलेक्सी पास एन बाय एन एक्सट्रीमली लार्ज मास, तब बनेगा रिंग। द रिंग शेप इमेज प्रोड्यूस इन दिस वे इज नन एज आइंस्टाइन रिंग, इसलिए इसका नाम रखा गया आइंस्टाइन रिंग। एक ग्रेविटेशनल लेंस हैपन व्हेन एस्ट्रोनोमर्स ऑन अर्थ लुक टुवार्ड्स अ ह्यूज गैलेक्सी और गैलेक्सी क्लस्टर सो मैसिव दैट इट्स ग्रेविटी डिस्टोर्ट एनी लाइट पासिंग नियर। तो इतना ज़्यादा ग्रेविटी है इसके पास, उस बहुत भयानक मासेस के पास, कि ये लाइट को ही मोड़ देगा। द मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक अ लेंस इन ए स्पेस, मैसिव ऑब्जेक्ट एक्ट लाइक अ लेंस इन ए स्पेस। तो वो लेंस की तरह काम करेगा, जैसे आपको बचपन में अपने उत्तल लेंस अवतल लेंस पढ़ा हुआ ना, तो प्रकाश को कैसे वो या तो डाइवर्ट कर देता है, या तो कन्वर्ज या डाइवर्ज पढ़े होंगे, तो उसमें उसी तरह होता है, स्प्रेडिंग द लाइट आउट ऑफन टू प्रोड्यूस मल्टीपल इमेजेस ऑफ मोर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दैट हैपेंस टू बी शाइनिंग बिहाइंड इट, और इफ द डिस्टेंट बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट एंड द इंटरवीनिंग मैसिव गैलेक्सी आर परफेक्टली अलाइन, द ग्रेविटेशनल लेंस में स्प्रेड द लाइट टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ अ रिंग इन स्पेस। फॉर द लेंसिंग बाय अ ब्लैक होल इनफिनाइट नंबर ऑफ आइंस्टाइन रिंग आर फॉर्म्ड।
इनफिनाइट नंबर, सोच लीजिए अनंत एक्सटेंडिंग का परमिशन होता है बाय द लाइट रेज विच विंड अराउंड द ब्लैक होल नियरली ऑन द प्रोटोन स्फीयर विच आर कॉल्ड रिलेटिविस्टिक एक्सटेंडिंग। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कैप्चर इमेज ऑफ नियर परफेक्ट आइंस्टाइन रिंग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेफगार्ड अंडर द आर्टिकल 22 टू अ पर्सन अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज अवेलेबल ओनली टू अ सिटीजन बट नॉट टू अ अलियंस। द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन The detention of a person under the preventive detention cannot exceed 6 months unless an advisory board reports sufficient cause for extension. Incorrect statement which are incorrect only and only C because both are incorrect. You know about that article 22, the safeguards available article 22 to a person arrested under the preventive detention law are available both citizen as well as aliens, दोनों को दिया गया है, citizens को भी और विदेशी नागरिकों को भी article 22 के तहत, लेकिन वो preventive detention होना चाहिए तब, otherwise नहीं। preventive detention हो तब, the detention of a person under the preventive detention, you know about the preventive detention, आप इससे पहले कोई बला घटित करे, इससे पहले आप कोई मतलब दुर्घटना घटित करे उससे पहले आपको बचा लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि आप कोई प्रिवेंट नहीं बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वही है हाल है कि आपको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि इससे पहले आप कुछ ऐसी घटना करें जिससे देश की एकता अखंडता संप्रभुता सुरक्षा मॉरलिटी और बहुत सारे इसके ग्राउंड्स है। तो द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 months, 3 months मतलब 90 दिन, से ज़्यादा इसको बढ़ाया नहीं जा सकता तब तक जब तक कि कोई एडवाइजरी बॉडी इसका सफिशेंट रीजन ना दे देगी। आखिर क्या कारण है कि आप 3 महीने से ज़्यादा उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं, उस व्यक्ति को जेल में रख रहे हैं, कोई कारण तो बताइए, अगर कारण नहीं है तो आपको छोड़ना पड़ेगा बाय द डिफॉल्ट बैल। ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन इन 2021 साव ए राइज ओवर, देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन कितना बढ़ गया है, लगभग 23%, बहुत चिंता का विषय है। किसी भी देश की सुरक्षा इसका मतलब खतरे में है क्या, या फिर सरकार ही ऐसा हो गई है कि लोगों को बस संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर रहा है, ये संदेहात्मक बहुत बुरी चीज़ है। सरकार को नागरिकों के प्रति इतना संदेह नहीं होना चाहिए, अगर वास्तव में अगर खतरा है तो ठीक है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन का आप अगर क्या कहते हैं उसको ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट एक्सटर्नल डेप्ट ऑफ इंडिया, जो बाहरी से हम लोग जो बाहर से लोन लेते हैं ना वही एक्सटर्नल डेप्ट, ऑलरेडी यूपीएससी इस पे बेहतरीन सवाल बना चुकी है। एक्सटर्नल डेप्ट द रेशियो टू जीडीपी फेल इन 2022 फ्रॉम द ईयर 2021, मतलब 2021 से 2022 के बीच में ये फॉल हुआ है क्या। एक्सटर्नल डेप्ट शॉर्ट टर्म डेप्ट कॉन्स्टिट्यूटेड लार्जेस्ट चंक ऑफ 80% वाइल लॉन्ग टर्म डेप्ट अकाउंटेड ओनली फॉर 19.6% ऑफ द टोटल, विच आर द करेक्ट, ओनली एंड ओनली सी बिकॉज बोथ आर करेक्ट। इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट वो लगभग 620 बिलियन डॉलर यूएस, ठीक है, एज ए एंड ऑफ 2022, जो कि 8.5% के आसपास बढ़ा हुआ है, और पिछला साल देखिएगा तो 573 के आसपास था, तो 53 समथिंग ऑफ इट वाज डिनोमिनेटेड या डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, और सबसे ज़्यादा इसमें यूएस डॉलर है, उसके बाद फिर इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड है लगभग 31%,
तो सबसे ज़्यादा डॉलर, उसके बाद भारतीय रुपया में उधार लिया गया है। एक्सटर्नल डेब्ट एज ए रेशियो टू द GDP मार्जिनली फॉल हुआ है, 19 पॉइंट से घटकर, जो कि पहले हुआ करता था 21% और आज है 19 दशमलव समथिंग, लगभग 20% मान लीजिए, तो वो गिरा है डेफिनेटली। देखिए दूसरा बात है कि फॉरेन करेंसी रिजर्व्स एज ए रेशियो टू दी एक्सटर्नल डेब्ट स्टूड स्लाइटली लोअर। जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो, मतलब व्हाट इज द फॉरेन करेंसी, यू नो अबाउट दैट, फॉरेन करेंसी रिजर्व एज ए रेशियो टू द एक्सटर्नल डेब्ट स्टूड स्लाइटली लोअर एट 97% देन 100.6% ईयर एगो, जो पहले 100% हुआ करता था, आज वो 98% है। आप जानते ही हैं कि लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ना कि लगभग लगभग 80% है, वाइल द शॉर्ट टर्म डेब्ट वो लगभग लगभग 20% के आसपास मान के चलिए। कॉमर्शियल बोरोइंग CB NRI डिपॉजिट शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट एंड मल्टीलेटरल लोन्स टुगेदर अकाउंटेड, तो इसमें कॉमर्शियल बोरोइंग है, NRI डिपॉजिट है, उसके बाद शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मल्टीलेटरल लोन, सब मिला के 90% है टोटल एक्सटर्नल डेट का। एक्सटर्नल डेब्ट मैनेजमेंट यूनिट इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस हैज रिलीज 28 एडिशन ऑफ द स्टेटस रिपोर्ट्स ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट 2021-22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाउंड एट मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पशुपति, ग्रेट बाथ और स्टेटाइट स्टेट्यूट ऑफ बियर्ड मैन, एक दाढ़ी वाला, एक बहुत बड़ा नहान स्नानागा, पशुपति और डांसिंग गर्ल। मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला है, तो मोहनजोदाड़ो में डांसिंग गर्ल और आपको कुछ पता है, अरुण पशुपति नहीं, ग्रेट बाथ। चलिए एक जहाँ जहाँ आई थिंक 1, 2, 3, 4 ओल के ओल सभी के सभी मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। देखिए मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो जिसको हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं, एक्सकेवेटेड किया गया था वो RD बनर्जी के द्वारा 1922 में, और इसके कुछ इम्पोर्टेंस फाइंडिंग देखेंगे तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा स्नानागार, उसके बाद अनाज का बहुत बड़ा भंडार, कोठरी, उसके बाद एक डांसिंग गर्ल, उसके बाद पशुपति महादेव, उसके बाद एक बियर्ड मैन का स्टेटाइट का टुकड़ा, पीस ऑफ उबन कोटन, ठीक है, द रिसेंट स्पेल ऑफ हैवी रेन्स एंड फ्लड्स दैट रेवेज ए लार्ज पार्ट ऑफ पाकिस्तान सिंध प्रोविंस हैज ऑल्सो टेकन अ हैवी टोल ऑन आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुसियारा रिवर के बारे में। कुसियारा रिवर जो कि फॉर्म्स इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर बनाने वाला कुसियारा नदी, ठीक है, अच्छा ब्रांच ऑफ विच रिवर, किस नदी का ये ब्रांच है पूछा जा रहा है, किसकी शाखा है ये, तिस्ता की या फिर बराक की, सब बराक की। कुसियारा रिवर इज ए डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर ऑफ बांग्लादेश, रिवर इन डिस्ट्रीब्यूटरी, कुसियारा रिवर इज ए डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर इन बांग्लादेश एंड असम इन इंडिया, इट फॉर्म्स ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एज ए ब्रांच ऑफ बराक रिवर, बराक रिवर की ब्रांच है। When the Barak separate into Kusiyara and Surma, the water of Kusiyara thus originated in the state of Nagaland
ये निकलता है, ओरिजिनेट कहाँ है, स्टेट ऑफ नागालैंड इन इंडिया, एंड पिकअप ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम मणिपुर, मिजोरम, असम, कुसियारा फ्लो वेस्ट वाटर फॉर्मिंग दी बाउंड्री बिटवीन असम इंडिया एंड सेल्फ बांग्लादेश डिस्ट्रिक्ट का है। इंडिया बांग्लादेश साइन ए कुसियारा रिवर वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट। तो कुसियारा वाटर बॉडी डैम को लेकर कुछ चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का टारगेट है 20-30% रिडक्शन करना है पीएम ढाई का और पीएम टेन कंसंट्रेशन का 2024 तक। टू अचीव दिस टारगेट इट टैक्स 2015 एट द बेस ईयर, मतलब इसको बेस ईयर माना गया है, 2015 में जितना कंसंट्रेशन था उसका 20-30% हम लोग घटा देंगे पीएम ढाई और पीएम टेन का। विच आर द करेक्ट अबाउट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, इनकरेक्ट कौन सा है ये पूछा जा रहा है। चलिए इसमें केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। देखिए जो इसका जो गोल है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का, मीट द प्रिस्क्राइब एनुअल एवरेज एम्बाइडेंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एट द ऑल लोकेशन इन कंट्री इन द कंट्री इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, मतलब दिए गए अवधि में, और इसका जो लेवल टारगेट है वो 20-30% रिडक्शन करना है पीएम ढाई और पीएम टेन का कंसंट्रेशन बाय 2024 तक। हम लोग का टारगेट है कि पीएम ढाई और पीएम जो टेन है उसकी कंसंट्रेशन लेवल 20-30% तक गिरा देनी है, लेकिन ध्यान रहे इसका बेस ईयर कुछ और ही है, इसका जो बेस ईयर है वो 2017 है। मतलब 2017 में जितना भी कंसंट्रेशन पीएम टेन और पीएम ढाई का था उसका हम लोग 20-30% घटा देंगे 2024 तक। जैसा कि एनालिसिस किया गया है इन्वायरमेंट थिंक टैंक के द्वारा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, बेयरली एनी डिफरेंसेस इन द ट्रेंड्स इन पार्टिकुलर मैटर पोल्यूशन पीएम ढाई बिटवीन द ग्रुप ऑफ द सिटीज अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम दोज आउटसाइड इट्स एम्बिट। कोई परिवर्तन नहीं आया, जितना पहले था 2017 में आज भी उतना ही, मतलब हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस खाली प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। अगला प्रश्न है निपुण भारत मिशन से, निपुण भारत मिशन, इट एम्स टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी। यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी इन द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी फॉर एवरी चाइल्ड बाय द एंड ऑफ द ग्रेट टीन बाय 2026-27। इसमें बहुत सारी बातें हैं, एक तो एवरी चाइल्ड 2026 ग्रेड, तो सोचिए क्या ये ग्रेड तीन के बच्चों के तक के लिए है, 2026-27 तक करना है, प्रत्येक बच्चे के इसमें शामिल है। निपुण भारत मिशन क्या बच्चों के लिए है, एज द थ्री टीयर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म हैज़ बीन सेट अप अंडर द एजिस ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अच्छा, जो थ्री टीयर में जो होगा वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का हिस्सा है समग्र शिक्षा अभियान। बताइए क्या ये जो प्रोग्राम जो है, जो देश है इसके लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम सरकार फंडेड करेगी, केंद्र सरकार, विच आर द करेक्ट, आई थिंक ओनली एंड ओनली इज द राइट। निपुण भारत प्रोग्राम का एम है गोल ऑफ यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ये जो आधारभूत जो ज्ञान होता है, जो शिक्षा होता है, जो गणित अंगणित होता है प्रत्येक बच्चों के लिए, जो पिछली कक्षा तक पहुंच चुके हैं उनके लिए, मतलब उनके लिए तक बाय द एंड ऑफ थर्ड क्लास बाय 2026-27। इन विजाजेस और इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो नया एजुकेशन न्यू शिक्षा नीति लाई गई है उसका एक मतलब उद्देश्य भी है। ए फाइव टीयर इम्प्लीमेंटेशन देख लीजिए, नॉट थ्री टीयर मतलब फाइव टीयर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, फाइव टीयर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म सेटअप नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक स्कूल, नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक स्कूल लेवल इन ऑल स्टेट एंड यूटी
अंडर द एजिज ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ध्यान रहे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, और समग्र शिक्षा जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी FLS, ए नेशन वाइड स्टडी हैज बीन कैरिड आउट जॉइंटली बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोनों ने मिलकर फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी एक तरह से अभियान चलाया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक डिजीज है जिसका नाम है लेजियोनेलेसिस डिजीज। इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द ट्रांसमिशन इज इनहेलेशन ऑफ कंटेमिनेटेड एरोसोल। प्रोड्यूस द कंजक्शन बिटवीन द वाटर स्प्रे। सबसे पहली बात तो ये लेजिनोलोसिस यानी लेजिनोलेसिस डिजीज जो है किससे फैलता है। दूसरा बात, डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय द प्रिवेंटेड बाय द न्यूमोकोकल वैक्सीन। क्या इसको न्यूमोकोकल वैक्सीन के द्वारा इसको मतलब रोका जा सकता है, क्या इसका ही ट्रीटमेंट है। चलिए पहला स्टेटमेंट के साथ खेल गए आप, एक और दो सही है। देखिए ये जो लीजियोनोलेसिस जो डिजीज़ है इसका रिपोर्ट किया गया था पहली बार अगर देखा जाए तो 1976 में यूएसए में। मतलब इसे कह सकते हैं कि आउटब्रेक ऑफ सीवर, बहुत ही खतरनाक जो निमोनिया है उसके तौर पर। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लीजियोनेला इज इनहेलेशन ऑफ कंटेमिनेटेड एरोसोल। प्रोड्यूस इन द कंजक्शन विथ वाटर स्प्रे। जेट और मिस्ट ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेस। इन्फेक्शन कैन ऑल्सो अकर बाय एस्पायरेशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर और आईज, पार्टिकुलरली सस्पेक्टेबल हॉस्पिटल पेशेंट। लीजियोनेलेसिस डिजीज हैज एन इनक्यूबेशन पीरियड है 2 से 10 दिन। ट्रीटमेंट एग्जिस्ट बट देयर इज करंटली कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है भैया लीजियोनेलेसिस डिजीज के लिए, या लीजियोनेलेसिस डिजीज के लिए अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। डेथ अकर्स थ्रू द प्रोग्रेसिव न्यूमोनिया विथ रेस्पिरेटरी फैलर और शॉक एंड मल्टी ऑर्गन फैलर। एक साथ कई अंग फैल हो जाएंगे, काम करना बंद हो जाएगा, हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो और आप मर भी जाइएगा, डेथ भी हो सकता है। अनट्रीटेड लेजियोनेलेसिस डिजीज यूजली वर्सन ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। अर्जेंटीना मिस्ट्री न्यूमोनिया आउटब्रेक आइडेंटिफाइड एज ए लीजियोनेलेसिस डिजीज। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में। इट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म टू गाइड द इन्वेस्टर टू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई फॉर द अप्रूवल्स एज पर देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट। इन्वेस्ट इंडिया अंडर द गाइडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT मैनेज दिस प्रोजेक्ट। तो बताइए अबाउट सिंगल विंडो सिस्टम को कौन मैनेज कर रहा है, क्या DPIIT कर रही है मैनेज इसको। विच आर द इनकरेक्ट, ओनली एंड ओनली डी, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही बताए जा रहे हैं। ये जो सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, एक तरह से वन स्टॉप सिंगल प्लेटफॉर्म, ताकि इसका उद्देश्य जो है इन्वेस्टर को मतलब सुविधा प्रदान करना, वेरियस प्री ऑपरेशन, बहुत सारे जो अप्रूवल होते हैं, अरे ये कागज़ में साइन करा दो, वो कागज़ में साइन करा दो, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इतना सारा चक्रव्यूह चैलेंज हो जाता है ना कि आप उसको पार करते करते आपका समय इतना निकल जाता है ना कि इन्वेस्टर हाथों साइड कर जाता पहले। तो अब इसको ख़त्म किया जा रहा है, एक सिंगल विंडो में सारा का सारा सर्टिफिकेट जमा कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारा NOC लीजिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। दैट्स ऑल। इन्वेस्ट इंडिया अंडर द गाइडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री
ये गाइडेंस किसका लेगा? DPIIT का मैनेज कर रहा है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम प्रोजेक्ट को. इट इज़ इन्वॉल्व इन द कंसेप्चुलाइजिंग एंड डिजाइनिंग द पोर्टल और ऑनबोर्डिंग ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द स्टेट्स, मेंटेनिंग द पोर्टल, मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टल. पोर्टल किस तरह से काम कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, राज्यों के बीच एक तरह से कोऑर्डिनेशन बन पा रहा है कि नहीं. देखिए एज जैसा कि जानते हैं कि 16 स्टेट हैव इंटीग्रेटेड, 16 राज्यों ने एक तरह से अपना इंटीग्रेशन कर लिया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ अब तक, विद एम टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. प्रत्येक राज्य चाहता है कि उसके यहाँ MOU आए, MOU की सिग्नेचर ना हो बल्कि MOU धरातल पर लागू हो, उस राज्य में निवेश आए तो आइए सिंगल विंडो सिस्टम आइए. मना किसने किया आपको? ई दाखिल पोर्टल अभी ये चर्चा में है. तो इसका कारण है कि कंज्यूमर ग्रेवांसेस रेडर से ई दाखिल पोर्टल, एक तरह से जो आपकी समस्याएं हैं कंज्यूमर का, उसकी समस्याओं को कोई सुनता नहीं है, तो इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है. उसका नाम है ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया नेशनल कंज्यूमर, ठीक है, डिस्प्यूट रेडर्सल कमीशन NCDRC के द्वारा 2020 में. नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडर्सल NCDRC के द्वारा लॉन्च किया था ई दाखिल, ताकि मतलब ऑनलाइन रेडर्सल मैकेनिज्म डेवलप किया जा सके. ऑनलाइन रेडर्सल मैकेनिज्म है ई दाखिल पोर्टल. इम्पावर्स द कंज्यूमर एंड देयर एडवोकेट्स टू फाइल ए कंज्यूमर कंप्लेंट्स अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड फीस ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर फॉर द रिडर्सल ऑफ देयर कंप्लेंट्स. इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द कंज्यूमर कमीशन टू स्क्रूटनाइज कंप्लेंट्स ऑनलाइन, टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट और फॉरवर्ड द कंप्लेंट्स टू कंसर्न कमीशन फॉर फर्दर प्रोसेस. ई दाखिल पोर्टल emerging as an effective solution for aggrieved consumer who opts e-filing. Consider the following statement about National Credit Guarantee Trustee Company NCGTC के बारे में. National Credit Guarantee Trustee Company के बारे में पूछा जा रहा है. National Credit Guarantee Trustee Company is a private limited company incorporated under the Companies Act 1956. NCGTC is a wholly owned company of the Government of India. Wholly owned. Puri ka puri Bharat Sarkar kisko control hai? 100% guarantee is provided by the NCGTC. NCGTC ke dwara 100% guarantee milega. Agar aap loan lending institution to the member of lending institution under the emergency credit line guarantee scheme. अच्छा, emergency credit guarantee line scheme भी इसके तहत शामिल है. Which are the incorrect पूछा जा रहा है. Incorrect तो भैया इसमें कोई भी सही नहीं, सब सही है. देखिए NC National Credit Guarantee Trustee Company एक private limited company है, ठीक है, और ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत गठित किया गया है. 2014 में इसको गठन किया गया था, सोच लीजिए. और ये डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के तहत, और ये पूरी तरह का भारत सरकार का ही कंपनी है. टू एक्ट एज ए कॉमन ट्रस्टी कंपनी फॉर द मल्टीपल क्रेडिट गारंटी फंड्स, मतलब एक तरह से ढेर सारे जो क्रेडिट गारंटी सिस्टम हमारे देश में चल रहा है कि जितने भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसको बोलता है कि आप किसानों को, आप बहुत सारे MSMEs को लोन बांटिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दीजिए, डोंट थिंक अबाउट NPA, वी आर हियर. सरकार बोलती है हमारे पास NCGTC है जो आपकी दिए गए लोन की गारंटी लेती है 100%, डोंट वरी, जस्ट लोन को पंप कीजिए, ढेर सारे नीरव मोदी और मेहुल चौकसी बनाइए, कोई चिंता का बात नहीं है. तो ECGLC, ECLGC,
ईसी एलजीसी वाज रोल आउट इन 2020। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक्सटेंडेड क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम जो है 2020 में लॉन्च किया गया था, मतलब आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक पैकेज था, क्योंकि क्राइसिस आई थी 19 में, कोविड-19, तो क्राइसिस ने पूरे का पूरे जो लैंडिंग एजेंसी है सबको दुखी कर दिया था ना। वो लोग सोच रहे थे कि मेरा पैसा डूब जाएगा, करे हम लोग लोन नहीं देंगे करे, तो कार्य कार्य करने का जरूरत नहीं है, भारत सरकार रेडी है आपकी गारंटी ले रही है। चलिए, ऑब्जेक्टिव वॉज टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेस, मतलब वो छोटे छोटे जो बिजनेस वो जो स्ट्रगलिंग कर रहे थे अपने ऑपरेशनल को फिर से एक तरह से पटरी पर लाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद उनको कहाँ से, उनके पास ना 1.5-2 साल तक लॉकडाउन का जो झटका पड़ा, वो अपना फिर से फंड कहाँ से ला पाएंगे अपनी कंपनी को बूस्ट करने के लिए। तो सरकार आई यहाँ पर, 100% गारंटी, 100% गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी लिंक ट्रस्टी, ठीक है, गारंटी कंपनी टू द मेंबर ऑफ द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंक है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, सब ने एक तरह से, इन एडिशन ऑफ द कंटिन्यूइंग डिस्ट्रेस इन एमएसएमई सेक्टर, 1 in every 6 लोन डिसबर्स अंडर द ईसीएलजी स्कीम लॉन्च एज पार्ट ऑफ द कोविड-19 रिलीफ पैकेज इन मई 2020 हैज टर्न बेड, जस्ट 27 महीने के अंदर वो बड़ा डूब गया। सोचो अब इतना भयानक नुकसान होगा, इसका लोड किस पर पड़ेगा, पता है किस पर पड़ेगा, इन्फ्लेशन पर पड़ेगा, टैक्स रेट पर पड़ेगा, दूसरा इसका प्रभाव पड़ेगा लैंडिंग इंस्टीट्यूशन पर और आने वाले टैक्स पेयर पर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्वारसम के बारे में, क्वारसम क्विक रिस्पॉन्स, इट इज ए लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर है। क्वारसम हैज़ अ फुल्ली ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, फुल्ली ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल, इट इज प्राइमरली डिजाइन टू प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव शील्ड टू मूविंग आर्मर्ड आर्मी फ्रॉम एनिमी एरियल अटैक्स, बाहर से कोई एरियल अटैक आ रहा है उसको देगा झटका उठा के पटक, क्वारसम यही है क्या, यहीं से दाग देंगे, ऐसा क्या, ऐसा क्या, बी 2 और 3 सही है। ये जो क्यूक रिस्पॉन्स या क्यूक रिएक्शन सरफस टू एयर मिसाइल, सरफस टू एयर है, यहाँ से धरती में बैठ के रहेंगे, यहाँ पर लगाएंगे को लॉन्चर, यहाँ से कोई आ रहा है, ठीक है, देंगे उठाया ठक खत्म, इट इज शॉर्ट रेंज सरफस टू एयर मिसाइल, ध्यान रहे शॉर्ट रेंज है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ के अमेरिका में डाल दीजिए, नहीं, खूब से खूब दिल्ली में बैठ के पंजाब आसपास के क्षेत्रों में उसकी सुरक्षा कर सकते हैं हम इसके मदद से, ठीक है, एक तरह से सरफस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, शॉर्ट रेंज है, लेकिन क्वारसम वेपन इन्हें मतलब इनेबल करता है विच द फंक्शन ऑन मूव फुल्ली ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, फुल्ली ऑटोमेटेड है कंट्रोल कमांड सिस्टम, घर कहीं से भी बैठ के आप इसको चला सकते हैं क्या। इट इज प्राइमरली डिजाइन डेवलप बाय द DRDO, मतलब डिजाइन भी वही किया है, डेवलप किया है DRDO द्वारा, ताकि प्रोटेक्टिव शील्ड दिया जा सके मूविंग आर्मर्ड कॉलम्स को ऑफ द आर्मी फ्रॉम एनिमी एरियल अटैक्स। अब मतलब टैंक लेकर आप चल रहे हैं, आपका टैंक चल रहा है, ठीक है, ओके, और आप जानते हैं कि टैंक में कभी भी आक्रमण हो सकता है, तो DRDO ने कहा कि डोंट वरी, आप आगे बढ़िए, अपना टैंक लेके आगे बढ़िए, हम लोग हैं, आपको ये क्वारसम देते हैं, आराम से जो नजदीक से आ रहा है उसको ठोक दीजिएगा। तो इट इज़ प्राइमरी डिजाइन एंड डेवलप बाय द DRDO टू प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव शील्ड टू द मूविंग आर्मर्ड कॉलम ऑफ आर्मी फ्रॉम एनिमी एरियल अटैक्स। द एंटायर वेपन सिस्टम हैज़ बीन कॉन्फिगर्ड ऑन ए मोबाइल एंड ए मैन्यूवरेबल प्लेटफॉर्म एंड इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एयर डिफेंस ऑन द मूव। इट हैज़ बीन डिजाइंड फॉर द इंडक्शन इन टू द आर्मी। रेंज इसका 25 से 30 किलोमीटर तक का है, 25 से 30 किलोमीटर तक का रेंज है भैया।
इंडियन आर्मी NDRDO कंडक्टेड 6th फ्लाइट टेस्ट ऑफ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, कोयसा कोस्ट में टेस्ट किया जा चुका है क्वासम का। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। वुमेन इज इंजीनियरिंग साइंस, एक महिला जो इंजीनियरिंग में साइंस में टेक्नोलॉजी में वेस्ट, मतलब वेस्ट प्रोग्राम इज इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग, वेस्ट नीति आयोग का प्रोग्राम है। टू प्रोवाइड ए सेपरेट प्लेटफॉर्म टू साइंटिफिकली इंक्लाइंड वुमेन रिसर्चर एंड साइंटिस्ट, जो महिलाएं अगर साइंस के प्रति रिसर्च के प्रति झुकाव रखती है उसके लिए स्पेशल पैकेज स्पेशल प्लेटफॉर्म वेस्ट, लेकिन क्या ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है? इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटी नेफ्ट आई स्टैम इज ए नेशनल वेब पोर्टल फॉर शेयरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज। ये जो स्टैम है इसका मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटीज, इज ए नेशनल वेब पोर्टल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज। चलिए बी इज द राइट बिकॉज यू नो अबाउट दैट। जो वेस्ट प्रोग्राम विल कैटर वुमेन विद साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टेम बैकग्राउंड एंड एम्पावर दैम टू कंट्रीब्यूट टू द साइंस टेक्नोलॉजी मॉडर्न इनोवेशन इकोसिस्टम। हालांकि जो बेस्ट इनिशिएटिव है वो आई स्टेम सेल बेस्ट स्टेम हो या आई स्टेम सेल प्रोवाइड अ सेपरेट प्लेटफॉर्म, ये तो देगा साइंटिफिकली इंक्लाइन महिलाओं को, रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को, टेक्नोलॉजिस्ट को फॉर परस्यूइंग रिसर्च इन बेसिक और अप्लाइड साइंस फ्रंटियर एरियाज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। अच्छी बात है, उन महिलाओं को एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रदान कर देगा लेकिन ये जो आई स्टेम इज ए नेशनल वेब पोर्टल फॉर शेयरिंग आर एंड डी फैसिलिटीज शेयर करने में मदद करेगा। द पोर्टल फैसिलिटेट्स रिसर्चर्स टू एक्सेस स्लॉट्स फॉर द यूज ऑफ इक्विपमेंट्स एज वेल एज शेयर द डिटेल्स ऑफ द आउटकम्स सच एज पैटेंट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है साइंसी साइंटिफिक दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर है। तो न्यू इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटीज में आई स्टेम इनिशिएटिव कॉल्ड वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च, तो अभी भी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फॉलोइंग अबाउट पॉलिसी ऑन लॉन्ग टर्म लीजिंग ऑफ रेलवे लैंड, लॉन्ग टर्म लीजिंग ऑफ रेलवे लैंड, ये जो सरकार जो रेलवे की जो संपत्ति है रेलवे की जो भूमि है उसको लंबे अवधि में जो लीज पे दिया जाएगा उस पर सवाल पूछा जा रहा है। अंडर दिस पॉलिसी रेलवे लैंड कैन बी नाउ लीज फॉर कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज अप टू 50 years 50 साल के लिए। द रेलवे लैंड कैन बी नाउ लीज फॉर कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज एट 3% मार्केट वैल्यू, 3% मार्केट वैल्यू द लैंड पर एनम 3% पर एनम के दर से जो मार्केट वैल्यू है उसका, मतलब मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है तो 100 करोड़ का 3% आप देते रहिए हर साल, कोई दिक्कत नहीं है, उस भूमि का आप आराम से यूज कीजिए कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। इट द लैंड कुड बी यूज फॉर सेटिंग अप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है? फॉर सेटिंग अप सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए, क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बनाया जा सकता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटिंग अप सोलर प्लांट्स बनाया जा सकता है क्या इस भूमि का उपयोग? विच आर द करेक्ट अबाउट रेलवे लैंड भूमि लीजिंग, चलिए इसका सही जवाब केवल और केवल 3 ही सही है, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत रेलवे लैंड कैन बी नाउ लीज कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर अप टू 35 years, ठीक है 35 साल तक के लिए आप इसका इस्तेमाल कर पाइएगा। और इस पॉलिसी के तहत रेलवे लैंड जो आपको मिलेगा वो जो कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए उसको 1.5% मार्केट रेट के वैल्यू के आधार पर साल डाउन फ्रॉम 6% अर्लियर, पहले 6% हुआ करता था उसको अब 1.5% कर दिया गया है, हर साल 1.5% दीजिए और कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते रहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस लैंड कुड ऑल्सो बी यूज फॉर सेटिंग अप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा आप चाहो तो उस भूमि का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जैसे कि हॉस्पिटल बना सकते हैं प्लाट PPP मोड पर,
चाहे तो आप स्कूल खोल सकते हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय के तौर पर, केंद्रीय विद्यालय संगठन के तौर पर। ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब सामाजिक योगदान कर रहे हैं आप। इन दिस केसेस द लैंड लाइसेंस कैन बी लैंड लाइसेंस फी विल बी वेयरली वन पर स्क्वायर मीटर पर एनम लगेगा, तो रेट भी घट जाएगा आपका। द पॉलिसी ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द यूज ऑफ रेलवे लैंड एट अ नॉमिनल कॉस्ट फॉर सेटिंग अप सोलर पावर प्लांट्स। सोलर प्लांट भी यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं आप, करते रहिए। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर दिया गया है एक पॉलिसी ऑन ए लॉन्ग टर्म लीजिंग ऑफ रेलवे लैंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क। पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट को एक तरह से गति प्रदान करने के लिए लैंड, जो रेलवे लैंड जो बेकार पड़ी होनी है उसका यूज करने दिया जाए या सर, ऐसी जो भी इन्वेस्टर है वो आए और इस भूमि का उपयोग करें। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाले काला ए वोल्केनिक माउंटेन कहाँ पर है यार, बताइए कहाँ पर है। हेली काला वेयर इट इज सिचुएटेड रंजीत भगत, इट्स ए सी, इट्स अ हवानियन आइलैंड, यू नो अबाउट दैट। सोलर टेलीकॉप से देखा गया है, कैप्चर किया गया है, क्या सन स्ट्रोमोस्फीयर रेजोल्यूशन अब 18 किलोमीटर। बस आप समझ लीजिए कि ये वोल्केनिक हरिकलम आइलैंड वोल्केनिक है, सोरिंग कर रहा है, अभी कहीं भी फट सकता है। इट इज़ नियर द परफेक्ट प्लेस ऑफ द सोलर स्ट्रोमिंग। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दारा सिको के बारे में पूछा जा रहा है। दारा सिको वॉज फेवर्ड अ सक्सेसर बाय हिज ओल्डर सिस्टर। दारा सिको को क्या उत्तराधिकार मिलना चाहिए था, प्रिंसेस जहान आरा बेगम। सिको हैज वॉज फेवर्ड एज ए सक्सेसर बाय हिज ओल्डर सिस्टर प्रिंसेस जहान आरा बेगम। ही इज नन एज अ पायनियर ऑफ द एकेडमिक मूवमेंट फॉर द इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया। मजमा उल बहरीन, बहरेन, मजमा उल बहरेन और किस्सा चाहार दरवेश आर हिज टू वर्क्स डिवोटेड टू कोज ऑफ एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। मजमा उल बहरेन और किस्सा चाहार दरवेश, विच आर द करेक्ट अबाउट दारा सिको, वन एंड टू इज द राइट आंसर। देखिए, दारा सिको वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहाँ एंड इज अपेरेंट ऑफ द मुगल एम्पायर शाहजहाँ। दारा वॉज डेजिग्नेटेड विद द टाइटल पद शाहजादा आई बुज रग मरतबा, मतलब प्रिंस ऑफ हाई रैंक, एंड वॉज फेवर्ड एज द सक्सेसर बाय हिज फादर बाय हिज ओल्डर सिस्टर प्रिंसेस जहान आरा। जहान आरा चाहती थी, जो उसकी बड़ी बहन थी, यहाँ तक कि उसके पिता जो खुद शाहजहाँ जो थे, वही चाहते थे कि आने वाला समय में जो गद्दी पर बैठे जो मुगला सल्तनत जो है वो इसी को मिलना चाहिए था, दारा सिको को। लेकिन अफसोस की बात, इतिहास जो है उन्हीं को याद रखती है केवल, जिन्होंने साम दाम दंड भेद से अपने गद्दी हड़प लिया है। तो आप जानते ही औरंगजेब के बारे में, जिंदा पीर था बेटा वो। ही डिस्क्राइब एज ए लिबरल मुस्लिम, उसको लोग लिबरल मुस्लिम कहते हैं। वो ट्राई टू फाइंड आउट द कॉमनलिटीज बिटवीन हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशन। वो चाहता था कि हिंदू और मुस्लिम में एकता स्थापित हो, ये जो धर्म के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं वो सब नहीं होना चाहिए। ही इज नन एज ए पॉइनर एकेडमिक मूवमेंट, बहुत मतलब बेहतर ज्ञानी था वो शिक्षा को लेकर, खास करके जो अलग अलग धर्म थे उनके जो मतभेद थे उनको समाप्त करना चाहता था भारत में।
ही हैड अ डीप अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द मेजर रिलीजन्स पार्टिकुलरली इस्लाम और हिंदुइज्म के बारे में, तो उसको गहराई से नॉलेज था। हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स अगर देखा जाए तो वो था मजमा उल बहरेन, मीनिंग टू ऑफ द ओशियन एंड सीरी ए अकबर द ग्रेट मिस्ट्री आर डिवोटेड टू द कॉज ऑफ एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। हिंदुइज्म इस्लाम को लेकर बहुत कोशिश किया उसने कि चाहे वो मजमा उल बहरेन हो, मतलब टू ओशियन। देखिए हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है थोड़ा बलबोड़ा है, वो थोड़ा सा दारा सिखों को कह दिया है कि वो टॉर्च बेरर था सोशल हारमोनी के लिए। अब देश में भी यही सब चल रहा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खूब हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि दारा सिखों सोशल हारमोनी के लिए बहुत बड़ा एक तरह से मार्गदर्शक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेवलपमेंट